लखना को प्रणाम करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को नमन करता हूँ, बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। धन संपत्ति की समस्या से निजात पाने के कुछ अचूक उपाय लेकर आया हूँ, जो अगर आप लोग करेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छे फल। तो इन सारे उपायों को नोट कर लीजिएगा और ज़रूर शेयर इस वीडियो को कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। माना जाता है धन प्राप्ति के लिए बुधवार की सुबह गणेश भगवान जी के माथे पर लगे सिंदूर का तिलक अपने माथे पर लगा लेने से गुप्त धन मिलने के, अचानक धन प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं। दूसरा महा उपाय, अगर अनबन रहती है घर वालों के बीच और पैतृक संपत्ति फंसी हुई है तो गणेश जी को सफ़ेद दूर्वा चढ़ाने से इस समस्या से मुक्ति मिलती है। आर्थिक तंगी से हमेशा समस्या से छुटकारा पाने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी को गाय का घी और गुड़ से भोग लगाने से भी लाभ मिलता है। जबकि खास तौर से बुधवार के दिन 12 नामों का 108 बार जाप करने से भी लाभ मिलता है। वक्रतुंड, एकदंत, कृष्ण पिंगाक्ष, गज ववत्र, लंबोदर, विकट, विघ्न राजेंद्र, भूरम वर्ण, भालचंद्र, विनायक, गणपति और गजानन, इन 12 नामों को 108 बार लेने से भी लाभ मिलता है। बुधवार के दिन गणेश जी को मंदिर में या अपने घर में उन्हें दूर्वा की 11 या 21 गांठ अर्पित करें, जल्दी ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। सुख शांति और आसानी से संपत्ति के लिए बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं, हरी पालक खिलाएं तो भी लाभ मिलता है। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान जी के साथ ही गणेश जी का श्रृंगार भी सिंदूर के लिए किया जाता है। इससे भी धन संपत्ति में अगर कोई समस्या चली आ रही है तो निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। उसी के साथ साथ कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो आपको कुंडली देख के करने चाहिए, जैसे कि पन्ना पहनना। अगर कुंडली में शुभ दर्शा रहा है बुध तो पन्ना धारण करना चाहिए। इसे पहनने से भी धन संपत्ति की सारी समस्याएँ खत्म हो जाती हैं। उसी के साथ साथ एक महामंत्र है जिसे दो मंत्र बताऊंगा जिन्हें क्रमबद्ध करना चाहिए। पहला मंत्र ओम कुबेराय नमः 12 बार पढ़िए। अगला मंत्र ओम महालक्ष्मीपतये नमः 12 बार पढ़िए। इसके बाद ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः 8 बार पढ़िए। तो पहला 12, फिर 12, आखिरी में शुक्र का मंत्र 8 बार। इसे क्रम से पढ़ने में लगातार 8 शुक्रवार करने से धन की समस्याएं खत्म होती हैं, आने वाला जीवन बेहतर होता है, कर्ज भी खत्म होता माना जाता है। तो शास्त्रों के ये कुछ अचूक उपाय थे जो मैंने आज आपको दिए। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।